आज की कक्षा में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा क्यों आया, विद्यार्थियों को क्या समस्याएं आ रही थी, तब उसके विषय में सोचा गया कि कैसे सभी विद्यार्थियों को एक साथ, हर प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने की नीति बनाई जाए। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा से पहले, इसके आने से पहले, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, तो कौन कौन सी समस्याएं उनके समक्ष आ रही थी जो शिक्षा प्राप्त करने में बाधक साबित हो रही थी। आइए उस समस्याओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी, जो बच्चे फेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूशन इज अ राइट, नॉट अ प्रिविलेज फॉर अ सेलेक्टेड फ्यू, अर्थात समावेशन, अर्थात शिक्षा में समावेशन सबका अधिकार है, किसी विशेष व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है। जैसा कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ही है कि चाहे कोई भी बालक किसी भी जाति का हो, रंग का हो, लिंग का हो, सामाजिक आधार उसकी भिन्न हो, आर्थिक स्थिति उसकी भिन्न हो, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भिन्न हो, फिर भी सभी को एक साथ समान शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा के तहत दिया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि किस किस प्रकार के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं आदि। तो आज हम देखेंगे कि बच्चे समावेशन से पहले क्या समस्याएं महसूस करते थे। आइए नजर डालते हैं। पहली उनके सामने समस्या थी हीनता की भावना, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। तो इस अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उनके समक्ष शारीरिक रूप से अक्षम और अस्वस्थ बच्चे अपने आप में हीनता का अनुभव करते थे शिक्षा प्राप्त करने में। उसके बाद कुछ बच्चे बहुत ही प्रतिभावान होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, और कुछ औसत बुद्धि वाले होते हैं, और कुछ उससे भी कम बुद्धि वाले होते हैं। तो जो बहुत कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभावान छात्रों और औसत विद्यार्थियों के छात्र अध्ययन करने में हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे। तो ये समस्याएं बच्चों के सामने उत्पन्न होती थी, उनमें हीनता की भावना जागृत होती थी समावेशन के पहले, अर्थात समावेशी शिक्षा के आने के पहले ये समस्याएं बच्चों के समक्ष उपस्थित हो रही थी। आइए अब देखें दूसरी समस्याएं क्या आ रही थी, देखते हैं दूसरी समस्याओं के बारे में। दूसरी समस्या थी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर बच्चे मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, जैसा कि मैंने अभी ही कहा था कि कोई प्रतिभावान होता है, कोई औसत दर्जे का होता है, और कोई कम बुद्धि वाला बच्चा, बालक या बालिका होते हैं। तो इससे पहले शिक्षक जो भी समावेशन से पहले, अर्थात समावेशी शिक्षा से पहले, शिक्षक जो भी समझाने का उनको प्रयास करते थे, तो उनको क्या करते थे, अलग अलग उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। सभी एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही स्थान पर शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे, जो कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी समावेशन से पहले बच्चों के समक्ष। उन्हें समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता था, अर्थात
क्या जब उनको कैटेगराइज कर दिया गया था तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही उनको सिखाया जाता था और किसी विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, प्रविधि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। तो ये समस्याएं बच्चों के समक्ष आती थी जो कि समावेशन से पहले आ रहा था। अभी सर जब समावेशन हो गया था, जब समावेशी शिक्षा का प्रावधान आ गया तो उसमें प्रत्येक बच्चे के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग होने लगा। तो इससे पहले ये समस्या आ रही थी कि बच्चे बेहतर तरीके से पाठ को, टॉपिक को समझ नहीं पा रहे थे। आइए आगे की समस्याओं को देखते हैं जो बच्चों के समक्ष उत्पन्न हो रही थी। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न है। जैसा कि मैं शुरू से ही कह रही हूँ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, हर रूप से बच्चे एक दूसरे से भिन्न है। तो इससे समावेशन से पहले वे समझ नहीं पाते थे कि कैसे सामान्य बच्चों के साथ असामान्य बच्चे समायोजित हो, उनको अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए ताकि वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ घुल मिलकर के एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। जो कि समावेशन सिखा दिया बच्चों को कि कैसे सामान्य बच्चों के साथ भी घुल मिल करके, सहयोग करके समायोजन किया जा सकता है। तो ये पहले समस्या आ रही थी, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूर्व आ रही थी। उसके बाद और हम समस्याएं देखते हैं। आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड, अकेलापन। उनको जो बच्चे सामान्य रूप से सक्षम नहीं है, अक्षम बच्चे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, अक्षम या मानसिक रूप से हो, या अन्य किसी रूप से हो, तो वो समावेशन से पहले, अर्थात समावेशी शिक्षा से पहले, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सामान्य बच्चों के साथ उनका मेल मिलाप नहीं था, सहयोग की भावना नहीं थी, वे उनके व्यवहार को नहीं समझ पाते थे, वो सिर्फ अपने जैसे ही बच्चों के साथ रहते थे, तो इससे उनको अकेलापन बहुत महसूस होता था। लेकिन जब समावेशी शिक्षा आया, जब इंक्लूजन हुआ ऐसे बच्चों का, तो धीरे धीरे उनका अकेलापन दूर होने लगा और सब तरह के बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो अकेलेपन की समस्या इंक्लूजन से पहले, अर्थात समावेशी शिक्षा के तहत समावेशन से पहले बच्चों के समक्ष आ रही थी, जो कि एक बड़ी समस्या निकल करके आ रही थी। तो इस उद्देश्य से ही कि अकेलापन बच्चों का दूर हो, समावेशी शिक्षा के प्रावधान को लाया गया। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम और अन्य समस्याओं को देखेंगे जो समावेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा से पूर्व बच्चों के समक्ष असामान्य बच्चों के समक्ष आ रहे थे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।